हनी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज सुबह यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दोपहर में राजस्थान के पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, शाम को यूपी के गाजियाबाद में होगा पीएम का रोड शो। आज जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली, एक दिन पहले लॉन्च हुए घोषणा पत्र की खासियत बताई कि कांग्रेस, सोनिया गांधी और खड़गे रैली में होंगे शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के पुराने मामले में वारंट जारी, ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया लालू के खिलाफ वारंट। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस, चुनाव से पहले जोर शोर से स्थापना दिवस का जश्न मनाएगी बीजेपी, 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। पुलवामा आतंकी हमले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम का विवादास्पद बयान, केंद्र सरकार पर हमले के लिए जताया शक, बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर भी देश के साथ नहीं होती खड़ी। पुलवामा, there is a doubt that Pulwama happened because of the instructions given by the central government. ये जहरीली सोच जो देश को बांट रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी ये भारत की जनता, भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ी नहीं हो पाती है, मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा, भारत में मिलाना चाहते हैं पीओके के लोग, पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:40। पहले भी भारत का था, आज है और कल भी रहेगा। कश्मीर के की जनता ही ये मांग करेगी कि हमको मर्ज किया जाए जी, भारत के साथ, भारत से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।